गुड डे टू ऑल ऑफ यू। इस भाग में आप सभी ने जैसे देखा होगा या पढ़ा होगा कि आप सभी से कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे होंगे जिन्हें आपको इस भाग में नहीं बताया जा रहा है, पर उसके प्रश्न के साथ आंसर को जरूर बताया जा रहा होगा। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्या आप बता सकते हैं लाइन एंड फीलिंग टूल बार का उपयोग क्यों करते हैं? लाइन एंड फीलिंग टूल बार की मदद से आप किसी क्लिप आर्ट अथवा पिक्चर की लाइन और उसके अंदर कलर की फॉर्मेटिंग अथवा उसके डिजाइन को बदल सकते हैं। सामने दिए गए चित्र को देखें, इसे स्लाइड पेन अथवा स्लाइड बार कहते हैं। स्लाइड बार आपकी उन सभी स्लाइड को दिखाता है जिन पर आप काम कर रहे होते हैं। आइए अब वीडियो की मदद से सीखें कि स्लाइड बार को कैसे हाइड या शो करते हैं। आइए वीडियो की मदद से सीखते हैं स्लाइड पेन को हाइड और अनहाइड कैसे करते हैं और स्लाइड पेन के साइज को कम या ज्यादा कैसे करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं जो लेफ्ट साइड में है इसे स्लाइड पेन कहते हैं। जितने भी आपने स्लाइड को इंसर्ट किया वो सारे स्लाइड्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर आपको इसे हाइड करना है तो आप इस बटन को देख सकते हैं, जैसे आपको वीडियो में दिखाया गया वहां पे क्लिक करेंगे तो आपका स्लाइड पेन हाइड हो जाएगा। फिर से उसी पे बटन पे क्लिक करें तो आपको जो स्लाइड पेन है वो शो हो जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इसे आप व्यू मेन्यू के द्वारा भी हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। व्यू मेन्यू पे क्लिक करें और स्लाइड पेन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। जैसे स्लाइड पेन को सिलेक्ट करेंगे तो हाइड हो जाएगा। फिर से व्यू मेन्यू पे क्लिक करें और स्लाइड पेन को सिलेक्ट कर लें, फिर से वह वापिस आ जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। अगर इसके साइज को आपको कम या ज्यादा करना है तो अपने पॉइंटर को यहाँ पे रखें जहां पर आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, डबल एडिट एरो बना आ जाएगा। आप इसे लेफ्ट साइड में ड्रैग करेंगे तो इसके साइज आप देख सकते हैं वो कम हो जाएगा, जो इसकी विड्थ है वो कम हो गई है। फिर से पॉइंटर को यहाँ पे रखें और इसे राइट साइड में ड्रैग करें। जब इसे राइट साइड में ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे जो इसकी विड्थ है वो बढ़ जाएगी, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो इस प्रकार से आप स्लाइड पेन के साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं और इसे हाइड और अनहाइड भी कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं प्रॉपर्टी ऑप्शन से क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑप्शन की मदद से आप इंप्रेस की फाइल के बारे में जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि आपने फाइल को कब सेव किया था, फाइल की डिटेल्स जैसे कि कितने स्लाइड नंबर हैं, कितने वर्ड्स हैं, कितने पैराग्राफ हैं, फाइल के साइज कितना है, जैसे कि जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि प्रॉपर्टी के बहुत से ऑप्शंस होते हैं जैसे कि जनरल, डिस्क्रिप्शन, सिक्योरिटी, स्लाइड को आप कितने प्रकार से प्रिंट ले सकते हैं। आप स्लाइड को दो तरीके से प्रिंट कर सकते हैं, पहला आप मेन्यू बार के विकल्प के द्वारा और दूसरा शॉर्टकट कमांड के द्वारा। मेन्यू बार के विकल्प के द्वारा आपको प्रिंट लेने के लिए फाइल मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको प्रिंट विकल्प को सिलेक्ट करना पड़ता है और उसके बाद आप आए हुए बॉक्स के अंदर प्रिंटर को सिलेक्ट करने के बाद प्रिंट ले सकते हैं। प्रिंट लेने के लिए कौन सी शॉर्टकट कमांड का उपयोग करते हैं? प्रिंट लेने के लिए Ctrl+P शॉर्टकट कमांड का उपयोग करेंगे। क्या आप जानते हैं टेम्पलेट का उपयोग क्यों करते हैं? टेम्पलेट की मदद से टेम्पलेट बना सकते हैं जिसका आप बाद में उपयोग कर सकते हैं। अगर सिंपल भाषा में समझें तो यह आपको कुछ पहले से किए गए कार्यों को दिखाता है जिसे आप उपयोग कर सकते हैं। टेम्पलेट को आप अपने डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर सकते हैं। अब आप सभी अपने कंप्यूटर को ऑन करें, इंप्रेस की फाइल को ओपन करें। आइए जानते हैं आज की क्लास में क्या सीखेंगे। आज की क्लास में एडिट और व्यू मेन्यू के बचे हुए ऑप्शंस के बारे में सीखेंगे, जैसे कि पॉइंट्स, ग्लू पॉइंट, फिल, इमेज, मैप, ये सब एडिट के ऑप्शंस हैं। व्यू के बचे हुए ऑप्शन जैसे कि गाइड, कमेंट, नेविगेटर और जूम के बारे में सीखेंगे। अब आप पहले स्लाइड पर सामने दिए गए पैराग्राफ को टाइप करें। क्या आप सभी ने पैराग्राफ को टाइप कर लिया है?
अब आप सभी 10 नए स्लाइड को इंसर्ट करें। क्या आप सभी ने स्लाइड इंसर्ट कर लिया है? अब आप सभी इन स्लाइड पर स्लाइड नंबर 2 से 8 तक आप सभी गैलरी विकल्प या शेप की मदद के द्वारा अलग अलग प्रकार की पिक्चर या शेप को इंसर्ट कर लें और उन पर फॉर्मेटिंग करके दिखाएं। अगर कोई समस्या हो तो आप सभी वीडियो को देखकर सीखें। आइए वीडियो की मदद से ड्राइंग बनाना सीखते हैं। सबसे पहले अपने पॉइंटर को ड्राइंग बार में लेके आए, किसी भी शेप को आप सिलेक्ट कर लें जिसे आप ड्रॉ करना चाहते हैं। हमने यहाँ रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, फिर जिस भी स्लाइड पे आपको ड्रॉ करना है हम पॉइंटर को वहां पे लेके गए और ड्रैग कर दिया। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, हमने ड्रैग किया तो एक रेक्टेंगल बन गया। अब हमें इसके अंदर फॉर्मेटिंग करना है, तो लाइन एंड फिलिंग टूल बार में कलर के ऑप्शन पे जाएंगे, क्योंकि हमें इसके कलर को चेंज करना है सिर्फ। इसीलिए हमने इसमें बिट मैप ऑप्शन का सिलेक्ट किया। आप चाहें तो कोई सा भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर वहां पे अलग अलग प्रकार के डिजाइन दिया हुआ है। हमने वाटर ऑप्शन 1 को सिलेक्ट कर लिया, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ये सॉलिड कलर, इस तरीके के एक डिजाइन इसके अंदर आ गया है। अगले स्लाइड को सिलेक्ट करें जिस पे आप ड्राइंग बनाना चाहते हैं, कोई सा भी शेप सिलेक्ट कर लें। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के शेप्स उपलब्ध हैं। इनमें से आप कोई से भी शेप को सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एक शेप को सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद उसे स्लाइड पे हमने इस तरीके से ड्रैग कर लिया। जैसे ही ड्रैग करेंगे तो जो शेप हमने सेलेक्ट किया था वो शेप यहाँ पे बन जाएगा। अगर आप इसके अंदर कलर करना चाहते हैं इसके अंदर, तो आप यहाँ से किसी भी एक प्रकार को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे हैचिंग एक जो स्टाइल है उसको हमने सेलेक्ट किया और इसके अंदर हमने ये कलर फिल कर दिया। इस तरीके से हमने लाइंस कुछ दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके से इसके अंदर एक डिजाइन आ चुका है। आप चाहें तो अलग कोई से भी कलर ले सकते हैं। अगर सॉलिड कलर करना चाहते हैं तो आप सॉलिड कलर कर सकते हैं। ये इसके अंदर कोई पैटर्न देना चाहते हैं तो आप पैटर्न दे सकते हैं, डिजाइन दे सकते हैं। आपको जैसा सही लगे आप वैसे कर सकते हैं। फिर अगले स्लाइड को सिलेक्ट कर ले जिसके अंदर हमें ड्रॉइंग करनी है। फिर पॉइंटर को ड्रॉइंग टूल बार पे लेके जाए, किसी भी एक शेप को सिलेक्ट कर लें जो आपको पसंद है। हमने यहाँ पे एक शेप को सिलेक्ट किया, फिर पॉइंटर को सीट पे लेके गए और ड्रैग कर दिया। तो इस तरीके से कि इमेज बन गया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फॉर्मेटिंग करना है तो आप लाइन एंड फिलिंग टूल बार की मदद से इसके अंदर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अगर आउटलाइन को कलर चेंज करना है तो आउटलाइन के कलर को चेंज कर सकते हैं। अगर इसके अंदर कलर फिल करना है तो आप कलर भी फिल कर सकते हैं। हमने इसके आउटलाइन को के कलर को चेंज किया और इसके अंदर फिर हमने कलर को इस स्टाइल हमने इसके अंदर कलर फिल कर दिया, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। अगले स्लाइड पे ड्राइंग बनाने के लिए आपको अगले स्लाइड को सिलेक्ट करना है। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, हमने 4th स्लाइड को सिलेक्ट किया। फिर से हमें ड्राइंग टूल बार के अंदर जाना है और किसी भी एक शेप को सिलेक्ट कर लेना है। आप चाहें तो गैलरी में से भी इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। हमने ड्राइंग टूल बार में से ही एक शेप को सिलेक्ट किया और इसे सीट पे ड्रैग कर दिया। फिर से इसके अंदर फॉर्मेटिंग करना है। आप कोई सी भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसके अंदर कलर को फिल कर दिया। फिर से अगले स्लाइड पे जाएंगे, यहाँ से हम इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे बाकी के स्लाइड्स को देखने के लिए। 5th नंबर स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद
फिर से ड्राइंग टूल बार में से किसी भी एक शेप को सेलेक्ट करें। उसे स्लाइड पर लेके आए और लेफ्ट बटन की मदद से उसे ड्रैग करें। जब ड्रैग करेंगे तो वह इमेज वह शेप बन जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। आप इसे मूव करके कहीं भी रख सकते हैं। फॉर्मेटिंग करने के लिए फिर से आपको लाइन एंड फिलिंग टूलबार के ऑप्शन का उपयोग करना है। जिस तरीके की आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं आप उसके अंदर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। हमने इसके अंदर कलर को फिल कर दिया जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। आप भी इस तरीके से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फिर अगले स्लाइड को सिलेक्ट कर लें। फिर से ड्राइंग टूलबार पे जाएं, किसी भी एक शेप को सिलेक्ट करके उसे ड्रॉ कर लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। और फिर लाइन एंड फिलिंग टूलबार की मदद से इसके अंदर फॉर्मेटिंग कर लें। कोई सी भी फॉर्मेटिंग कर लें जो आपको पसंद हो। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं हमने इसके अंदर कलर को फिल किया। हमने इसके अंदर एक डिजाइन को फिल किया। अगले स्लाइड को सेलेक्ट करें। इसके अंदर अगर आप कोई भी शेप ड्रॉ करना चाहते हैं ड्राइंग टूल बार पे जाएं और किसी भी एक शेप को सेलेक्ट कर लें जो आपको पसंद है। शेप को सेलेक्ट करने के बाद फिर से स्लाइड पे ड्रॉ करें उसे जैसा आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। हमने यहाँ पे ऑक्टागन शेप को ड्रॉ किया। अगर इसके अंदर फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो इसके अंदर आप फॉर्मेटिंग कर लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। हमने इसके आउटलाइन के कलर को चेंज किया और इसके अंदर हमने कलर को फिल किया। आप भी इस तरीके की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फिर से अगले स्लाइड को सिलेक्ट कर लें। किसी एक शेप को सिलेक्ट करें। हमने स्टार को सिलेक्ट किया। हमें इस शेप को ड्रॉ करना है तो हमने इसे स्लाइड पे ड्रैग कर लिया। जैसे ही ड्रैग करेंगे तो ये स्टार बन जाएगा। फिर से फॉर्मेटिंग करने के लिए लाइन एंड फिलिंग टूलबार का उपयोग करना है। आप किसी भी प्रकार की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं जो आपको पसंद है। हमने इसके अंदर कलर फिल किया। तो इस प्रकार से आप अलग अलग स्लाइड पे ड्राइंग बना सकते हैं। उसके अंदर कोई भी फॉर्मेटिंग को कर सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया गया। आइए अब आज के ऑप्शंस के बारे में सीखना शुरू करते हैं। पॉइंट्स का उपयोग क्यों करते हैं? पॉइंट विकल्प की मदद से आप किसी भी कर्व लाइन अथवा पॉलीगन और लाइन जिसे आपने अपने स्लाइड पर ड्रॉ किया है उसे आप रोटेट कर सकते हैं या फिर उसके शेप को चेंज कर सकते हैं और भी आप उसमें पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं पॉइंट्स विकल्प का उपयोग कैसे करते हैं। आइए वीडियो की मदद से पॉइंट विकल्प का उपयोग करना सीखते हैं। पॉइंट की मदद से आप लाइन में अलग अलग पॉइंट को ऐड करके उसे आप एडिट कर सकते हैं। उसके अंदर अलग पॉइंट ऐड करके किसी दूसरे शेप में ड्रॉ कर सकते हैं। पॉइंट विकल्प का उपयोग आप सिर्फ लाइन और कर्व पे ही यूज करेंगे। इसके लिए सबसे पहले एक लाइन को ड्रॉ करें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया गया है। पॉइंट को ऐड करने के लिए आपको एडिट मेन्यू पे क्लिक करना है और फिर पॉइंट विकल्प को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे एडिट पॉइंट का ऑप्शन आ जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया गया है। अलग से पॉइंट को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट पॉइंट पे क्लिक करें
और जहां पे भी आप अपने पॉइंट को इंसर्ट करना चाहते हैं वहां पे क्लिक कर दें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। हमने दो पॉइंट को यहां पे इंसर्ट किया। मूव पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे तो आप जो पॉइंट क्या उसे आप शिफ्ट कर सकते हैं या फिर इस तरीके से ड्रैग करके अलग शेप में भी बना सकते हैं। तो हमने उस पॉइंट को वहां से ऊपर की साइड ड्रैग किया तो वे इस शेप में आ गया, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर हमने इस पॉइंट पॉइंट पे हमने पॉइंटर को रखा और नीचे की साइड से ड्रैग कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि हमने एक सिंपल लाइन को ड्रॉ किया था, लेकिन पॉइंट की मदद से हमने इसे इस शेप में बदल दिया, इस शेप में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। डिलीट पॉइंट की मदद से जो भी आपने पॉइंट को ऐड किया था आप उसे डिलीट कर सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया गया हमने एक पॉइंट को ऐड किया था वो डिलीट की मदद से डिलीट हो गया। अगर इस वाले कोई पॉइंट को आपको हटाना चाहते हैं इसे सिलेक्ट कर लें और डिलीट पॉइंट पे क्लिक कर दें तो आपकी जो पहली लाइन थी उसी तरीके की पहली लाइन बनके आ जाएगी, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर से पॉइंट को ऐड करें, इसके लिए इंसर्ट पॉइंट को सिलेक्ट करें, जहां पे भी आपको पॉइंट ऐड करना है वहां पे क्लिक कर दें, पॉइंट ऐड हो जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। अगर हम इस पॉइंट को शिफ्ट करना चाहते हैं तो मूव पॉइंट को सिलेक्ट करें, जिस पोजीशन पे भी आपको पॉइंट रखना है वहां पे शिफ्ट कर दें। फिर इसको ड्रैग करें। अगला स्प्लिट कर्व का ऑप्शन है, यहां से पॉइंट्स को अगर अलग करना चाहते हैं स्प्लिट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जहां से भी क्लिक करेंगे वहीं से आपका पॉइंट स्प्लिट हो जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। जब आप इसको मूव करेंगे तो दोनों एक साथ ही मूव होगा, दोनों लाइन एक साथ मूव हो रही है, देख सकते हैं आप वीडियो में। कॉर्नर पॉइंट जहां से पॉइंट अलग हुआ था आप उसको वहां से कनेक्ट कर सकते हैं फिर से, इस तरीके से आप वीडियो में देख सकते हैं हमने इसको वहां से कनेक्ट कर दिया। लाइन को फिर से सेलेक्ट करें, एलिमिनेट पॉइंट पे हमने क्लिक किया। ये क्लोज विजर पे हमने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं जहां जहां पे पॉइंट था तो उसे जहां जहां पॉइंट था उसे कंप्लीट कर दिया, एक कंप्लीट इमेज बन गया, उस सारे पॉइंट्स को कवर कर दिया, आपस में लाइंस कनेक्ट हो गई, जहां पे पॉइंट्स नहीं था वो कंप्लीट नहीं हुआ, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं। आप इसको मूव करके पॉइंट्स को मूव करके आप किसी भी शेप में बना सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने इसको मूव करके एक ट्रायंगल की शेप दे दिया है। अगर आप पॉइंट्स को हटाना चाहते हैं स्ट्रेट लाइन की जगह अगर कर्व करना चाहते हैं तो आप एलिमिनेट पॉइंट को यूज कर सकते हैं। हमने एलिमिनेट पॉइंट को सिलेक्ट किया, आप देख सकते हैं जब हम पॉइंटर पे पॉइंट्स पे रख रहे थे कर्व बन के आ रहा है, जो लाइन पहले स्ट्रेट हो रही थी वो अब कर्व हो रही है, आप उसको इस तरीके से मोड़ सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमने एक लाइन को ड्रॉ किया था और हमने उस लाइन को पॉइंट की मदद से हमने इस शेप में ड्रॉ कर दिया। तो इस प्रकार से आप पॉइंट्स का उपयोग कर सकते हैं और किसी भी शेप में उसे ड्रॉ कर सकते हैं। अगला विकल्प ग्लू पॉइंट्स का है, क्या आप जानते हैं ग्लू पॉइंट्स विकल्प का उपयोग क्यों करते हैं? ग्लू पॉइंट ऑप्शन का उपयोग आप जब करेंगे
अगर आपको एक से ज्यादा शेप को किसी पॉइंट से जोड़ना है तो आप ग्लू पॉइंट्स और कनेक्टर शेप का उपयोग करके इन्हें इन्हें एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। आइए अब वीडियो को देखकर समझते हैं कि ग्लू पॉइंट्स क्या होता है। आइए वीडियो की मदद से ग्लू पॉइंट ऑप्शन का उपयोग करना सीखें। जैसे कि आप जानते हैं, ग्लू पॉइंट की मदद से आप दो इमेज को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको दो इमेज ड्रॉ करना होगा। हमने एक स्लाइड को सिलेक्ट किया जिसपे हम दो शेप्स को ड्रॉ करेंगे। हमने रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट किया ड्राइंग टूल बार की मदद से और स्लाइड पे ड्रैग कर लिया। हमने एक रेक्टेंगल को ड्रैग किया, एक रेक्टेंगल को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हमने एक और शेप को सिलेक्ट किया और उसे हमने इस तरीके से बना लिया। तो आप देख सकते हैं हमारे स्लाइड पे अब दो शेप्स हैं, एक रेक्टेंगल और एक सर्कल। अब हम चाहते हैं कि इसके पॉइंट से दूसरे इमेज को कनेक्ट कर ले। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो पॉइंट्स जो पहले से बने हुए हैं, जो ब्लू कलर के पॉइंट्स दिख रहे हैं, आप इन पॉइंट से दूसरे इमेज के पॉइंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं जो पहले से पॉइंट्स बने हुए हैं। लेकिन ग्लू पॉइंट्स की मदद से आप अलग से पॉइंट को इंसर्ट कर सकते हैं कहीं और दूसरे जगह पे, जहां पे भी आपको पॉइंट्स को इंसर्ट करना है आप वहां पे एक अलग से पॉइंट इंसर्ट कर सकते हैं। फिर उसे आप कनेक्टर की मदद से उस दोनों पॉइंट से आप दोनों इमेज को कनेक्ट कर सकते हैं। पॉइंट इंसर्ट करने के लिए आपको एडिट मेन्यू पे क्लिक करना है, एक बॉक्स आ जाएगा, फिर आपको ग्लू पॉइंट्स विकल्प को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हमने पॉइंट्स विकल्प पे सिलेक्ट किया था इसीलिए हमें ग्लू पॉइंट पे सिलेक्ट करना है। इसीलिए हम दोबारा से एडिट मेन्यू पे क्लिक करेंगे और ग्लू पॉइंट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही ग्लू पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरीके का बॉक्स आ जाएगा, जो उसकी प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हमें अलग से कोई भी एक पॉइंट को इंसर्ट करना है, उसके लिए हमें इंसर्ट पॉइंट पे पॉइंटर को ले जाना है। ये देख सकते हैं आप, ये इंसर्ट ग्लू पॉइंट है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जहां पे भी आप पॉइंट इंसर्ट करना चाहते हैं वहां पे क्लिक कर दें तो आप देख सकते हैं वहां पे पॉइंट बन के आ जाएगा। फिर दूसरे इमेज को सेलेक्ट करें, हमने सर्कल को सेलेक्ट किया, इंसर्ट ग्लू पॉइंट को हम सेलेक्ट करेंगे। हमने इंसर्ट ग्लू पॉइंट को सेलेक्ट किया और सर्कल के हमने सेंटर में एक पॉइंट को हमने इंसर्ट कर दिया। अब हम चाहते हैं जो हमने अलग से दो पॉइंट को इंसर्ट किया है, इस दोनों पॉइंट को आपस में कनेक्ट करें। कनेक्ट करने के लिए हमें कनेक्टर का यूज करना होगा। इसके लिए आपको, आप देख सकते हैं आपको दो पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, हमें दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करना है। इसके लिए ड्रॉइंग टूल बार पे जाएंगे, ये कनेक्टर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इस पॉइंट पे पॉइंटर को लाएंगे, यहां से ड्रैग करके दूसरे वाले पॉइंटर जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है वहां तक लेके जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये दोनों इमेज अब एक लाइन के द्वारा कनेक्ट हो चुका है। दोनों के सेंटर पॉइंट से हमने इसे कनेक्ट कर दिया। अगर हम यहाँ पे ग्लू पॉइंट को इंसर्ट नहीं करते तो हम इस इमेज को कनेक्ट नहीं कर पाते। जो आउटर, जो इसकी आउटलाइन पे जहां पे पॉइंट्स बनकर आ रहे थे, ये वहीं से कनेक्ट होता। इसके लिए हमने अभी अंडू करके इस लाइन को यहां से हमने हटा दिया। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे ग्लू पॉइंट्स नहीं है, दोनों पे आप देख सकते हैं कि इसके आउटलाइन पे इसके पॉइंट्स बन के आ रहे हैं। अगर हम कनेक्टर्स यूज करेंगे तो अभी ये सिर्फ पॉइंट, जो बाहर के पॉइंट्स अगर ऐड करना चाहते हैं, हमने इस बाहर के पॉइंट पे क्लिक किया, उसे ड्रैग करके इसके बाहर पॉइंट पे हमने ऐड कर दिया। जो इसके आउटलाइन पे जो पॉइंट्स थे उससे ये कनेक्ट हो चुका है। कनेक्टर वहीं पे काम करेगा जहां पे आपका पॉइंट्स बना हुआ है। जहां पे भी पॉइंट्स होगा उसे आपस में ये कनेक्ट कर देगा, चाहे वो इमेज के अंदर हो या इमेज के बाहर हो, ये सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट ही कनेक्ट होगा। और ग्लू पॉइंट की मदद से आप इमेज के अंदर कहीं पे भी अलग से पॉइंट को इंसर्ट कर सकते हैं, कहीं से भी पॉइंट को आप बना सकते हैं। जैसे कि अभी आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, अब हम इस जगह पे एक अलग से पॉइंट को इंसर्ट करना है।
इसके लिए फिर से एडिट मेन्यू पे जाएंगे, ग्लू पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट ग्लू पॉइंट को सिलेक्ट किया, जहां पे भी आप पॉइंट को इंसर्ट करना चाहते हैं वहां पे क्लिक कर दें। हमें इमेज के राइट साइड में कॉर्नर में हमने रेक्टेंगल के वहां पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पॉइंट इंसर्ट हो गया। इसी तरीके से सर्कल के भी राइट साइड कॉर्नर में हमने एक पॉइंट, सॉरी लेफ्ट साइड में हमने यहाँ पे एक पॉइंट को इंसर्ट किया, जैसे कि आपको वीडियो में देख सकते हैं दोनों इमेज में हमने एक एक पॉइंट्स को हमने इंसर्ट किया। अब हम चाहते हैं इस दोनों पॉइंट से आपस में दोनों इमेज कनेक्ट हो जाए, इसके लिए हम कनेक्टर पे गए और इस दोनों पॉइंट से हमने इसे कनेक्ट कर दिया। तो इस प्रकार से ये दोनों इमेज आपस में कनेक्ट हो गए। तो इस प्रकार से आप ग्लू पॉइंट्स का उपयोग कर सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि फील्ड्स का उपयोग क्यों करते हैं? एडिट मेन्यू बार के फील्ड्स विकल्प से आप फील्ड्स विकल्प को एडिट कर सकते हैं या यानी कि फील्ड्स के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि फील्ड्स विकल्प का उपयोग कैसे करते हैं। आइए वीडियो की मदद से सीखते हैं फील्ड विकल्प का उपयोग कैसे करते हैं। फील्ड विकल्प की मदद से जो आप कोई भी फील्ड इंसर्ट करेंगे जैसे कि डेट टाइम, आप उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं, उसके फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको कोई भी फील्ड इंसर्ट करना होगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। हम इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे, एक बॉक्स आ जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर फील्ड्स पे जाएंगे, आप इनमें से कोई से भी फील्ड सेलेक्ट कर लें। अगर डेट करना है तो डेट पे क्लिक कर दें, हमने डेट को इंसर्ट कर दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट इंसर्ट हो गया। इसी तरीके से आप एक और फील्ड को इंसर्ट कर लें, आप चाहें तो टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं तो टाइम इंसर्ट कर लें। उसके लिए आपको इंसर्ट मेन्यू पे फिर से क्लिक करना होगा, जैसे इस पे क्लिक करेंगे एक बॉक्स आएगा, फिर से फील्ड्स पे जाएं और टाइम को सेलेक्ट कर ले। तो आप देखेंगे जैसे टाइम पे क्लिक करेंगे जो टाइम का फॉर्मेट है वो यहाँ पे आ गया, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। आप बीच में कर्सर रख के इसको ड्रैग करके स्लाइड के बॉटम में ले आए और बाहर क्लिक कर दें। अगर एक और फील्ड को इंसर्ट करना चाहते हैं, किसी भी अगर पेज नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं या स्लाइड नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे पेज नंबर को इंसर्ट किया, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने डेट को इंसर्ट किया, फिर टाइम को इंसर्ट किया और फिर पेज नंबर को इंसर्ट किया। आप देख सकते हैं ये जो डेट है इस फॉर्मेट में है 1717 इस फॉर्मेट में। अगर आप इसके फॉर्मेट को चेंज करना चाहते हैं, किसी दूसरे फॉर्मेट में आप इसे डेट को लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एडिट मेन्यू पे क्लिक करना है। जैसे एडिट मेन्यू पे क्लिक करेंगे बॉक्स आ जाएगा, फिर आपको फील्ड्स पे जाना है। अभी देखेंगे कि फील्ड्स अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है, तो इसीलिए आपको इसके बाहर क्लिक करेंगे। जब ये ब्लू कलर का डॉट्स बना हुआ आ जाए तब आप इसके अंदर कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं, इसके फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। यहां पर भी क्लिक नहीं हुआ था इसीलिए इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया गया है। आप देख सकते हैं जो फील्ड का ऑप्शन है वो हाईलाइट हो गया है। अपने पॉइंटर को फील्ड्स पे लेके आएंगे, हमने यहां पे लाया और लेफ्ट बटन दबा दिया। जैसे ही लेफ्ट क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एक बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पे फिक्स वेरिएबल दो ऑप्शंस दिए हुए हैं फील्ड टाइप, और नीचे यहाँ पे फॉर्मेट
दिया हुआ है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के डेट के फॉर्मेट हैं, किसी भी एक प्रकार के फॉर्मेट को आप सिलेक्ट कर लें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, हमने इस फॉर्मेट में सिलेक्ट किया। आप चाहे तो कोई सा भी फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर टाइम के फॉर्मेट को चेंज करना है तो उसको सिलेक्ट कर लें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया गया है। फिर एडिट मेन्यू पे क्लिक करें और फील्ड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। इस तरीके आपको बॉक्स दिखाई देगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के फॉर्मेट हैं, आप यहाँ से इसे चेंज कर सकते हैं। किसी भी एक फॉर्मेट को आप सिलेक्ट कर लें। हमने इस फॉर्मेट को सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं जो टाइम है अब उसी फॉर्मेट में यहाँ पे आ गया। अगला ऑप्शन नंबर का है, नंबर ये रोमन में है तो इसे आप इसी फॉर्मेट में रहेगा ये। आप देख रहे हैं यहाँ पे फील्ड का ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा क्योंकि ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नंबर्स लिखे हुए हैं। तो इस प्रकार से आप फील्ड ऑप्शन की मदद से जो भी आपने फील्ड नेम इंसर्ट किया डेट टाइम, आप उसके फॉर्मेट को बदल सकते हैं, उसके फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। अब आप सभी व्यू मेन्यू के बचे हुए ऑप्शन के बारे में सीखेंगे। क्या आप सभी को याद है कि आपने इंप्रेस के पहले भाग में व्यू के कौन कौन से ऑप्शंस के बारे में सीखा था? आपने व्यू मेन्यू के स्लाइड पेन के ऑप्शंस जैसे कि नॉर्मल, आउटलाइन, हैंडआउट इत्यादि के बारे में सीखा था। इसके साथ में आपने टूल बार के ऑप्शंस को हाइड अनहाइड करना सीखा था। अब आइए बचे हुए ऑप्शंस के बारे में सीखते हैं। क्या आप बता सकते हैं स्लाइड मास्टर का उपयोग क्यों करते हैं? स्लाइड मास्टर की मदद से आप जो फॉर्मेट अथवा सेटिंग आप अपनी हर एक स्लाइड पर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप स्लाइड मास्टर की मदद से आप उसका उपयोग कर सकते हैं। आइए अब वीडियो की मदद से देखते हैं स्लाइड मास्टर का उपयोग कैसे करते हैं। आइए वीडियो को देख कर सीखते हैं मास्टर स्लाइड का उपयोग कैसे करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे एक टाइटल स्लाइड है, हमने इसके टाइटल में कंप्यूटर को टाइप किया और जहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है वहां पे हम इसके बारे में एक लाइन को टाइप किया। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे आप कुछ भी लाइन टाइप कर सकते हैं या फिर वीडियो को देख के जो आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है उसे देख कर आप टाइप कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच हेल्प अस हमने यहाँ पे टाइप किया विच मेक्स आवर वर्क इजियर। फिर हमने यहाँ पे एक नया स्लाइड को इंसर्ट किया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे भी टाइटल में कुछ टाइप कर लें, किसी दूसरे टॉपिक के बारे में आप टाइप कर सकते हैं, कोई सा भी टॉपिक, या तो आप अपने बारे में या स्कूल के बारे में। अगर आपको कंप्यूटर के पार्ट्स लिखने हैं तो उसके बारे में आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। हमने यहाँ पे सीपीयू टाइप किया, हम कंप्यूटर्स के पार्ट्स के बारे में टाइप कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे सीपीयू टाइप किया। फिर जहाँ पे कंटेंट्स है वहाँ पे हम उसके बारे में एक लाइन को टाइप कर रहे हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक लाइन को कंप्लीट किया, सीपीयू इज स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हमने इसके जो फुल फॉर्म है हमने इसको यहाँ पे टाइप किया।
जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है आप उसे देखकर टाइप कर सकते हैं, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको सही लगता है आप उसके बारे में भी आप टाइप कर सकते हैं। फिर से आप अगली स्लाइड को इंसर्ट करें। इंसर्ट करने के लिए स्लाइड पेन पे राइट बटन को एक बार क्लिक करें, फिर न्यू स्लाइड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। यहां पे भी आप कुछ टाइप कर लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। हम यहां पे मॉनिटर के बारे में टाइप कर रहे हैं। हमने यहाँ पे दो लाइन को टाइप किया। अब हम सारे स्लाइड पे मास्टर पेज को अप्लाई करना चाहते हैं। देखते हैं कि मास्टर स्लाइड से क्या होता है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे तीन स्लाइड लिया और तीनों स्लाइड पे हमने टाइटल में कुछ लिखा और कंटेंट्स में भी हमने कुछ लिखा। अब हम इस पे मास्टर स्लाइड को अप्लाई करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप व्यू मेन्यू पे क्लिक करें, मास्टर, फिर स्लाइड मास्टर को सिलेक्ट कर लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे अलग से एक फॉर्मेटिंग दिया हुआ है, जो पहले से ही कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है वो अलग अलग फॉर्मेटिंग में दिया हुआ है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। टाइटल में यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर टाइटल में आप कुछ एडिटिंग करेंगे, इसके फॉर्मेट को आप एडिट करेंगे, जिस प्रकार की आप फॉर्मेटिंग को लगाएंगे उसी प्रकार के आपके स्लाइड में वो अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमने इसके टाइटल, जिसके फॉन्ट साइज है, हमने इसके फॉन्ट साइज को इनक्रीज किया है, फिर से मैंने बोल्ड किया, इसके फॉन्ट के कलर को भी हमने चेंज किया और इस पे अंडरलाइन को अप्लाई कर दिया। अब जो कंटेंट्स लिखा हुआ है अब हम उसके अंदर भी फॉर्मेटिंग करेंगे। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने इसको सिलेक्ट किया, इसे हमने इटैलिक के फॉर्मेट में चेंज कर दिया। फिर हमने इसके फॉन्ट कलर को भी हमने चेंज किया जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर हमने इस पे बोल्ड अप्लाई किया। फिर बाकी के कंटेंट्स को भी आप सेलेक्ट कर लें। इसके अंदर आप जैसे भी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं उस तरीके की फॉर्मेटिंग कर लें। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर चेंज कर सकते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं तो आप बोल्ड कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अभी जो फॉर्मेटिंग आपने इसके ऊपर किया है, जब आप क्लोज मास्टर व्यू करेंगे जो आपका टेक्स्ट है, जो आपकी स्लाइड है, उसी तरीके की फॉर्मेटिंग आपके स्लाइड पर भी आ जाएगी। स्लाइड के हमने व्यू मेन्यू पे फिर से क्लिक करके स्लाइड के बॉटम में डेट, फुटर और नंबर, इन तीनों चीजों को हमने इंसर्ट किया। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमने यहाँ पे डेट को टाइप किया, फुटर में हम कंप्यूटर शिक्षा को टाइप करेंगे, और नंबर में हम स्लाइड नंबर को, जितने भी स्लाइड नंबर हैं वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे। तो आप देख सकते हैं तीनों चीजों को हमने स्लाइड पे लगाया। जब आप इसे क्लोज मास्टर व्यू करेंगे, जो आपकी जो स्लाइड्स है, जो आपने तीन स्लाइड अलग से इंसर्ट किए थे, तो सारी चीजें उसके अंदर अप्लाई हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमने फर्स्ट स्लाइड जो अलग से इंसर्ट किया था वहां पर कंप्यूटर लिखा था, उसके अंदर हमने बोल्ड और अंडरलाइन की फॉर्मेटिंग किया था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी टाइटल उसका चेंज हो गया है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। और नीचे आप देख सकते हैं डेट और फुटर में CS लिखा हुआ है। इसी प्रकार से दूसरे स्लाइड में भी आप देख सकते हैं जो हमने CPU टाइप किया था, जो फॉर्मेट बनाया था, उसी प्रकार से आप अगली स्लाइड में भी देखें जो मॉनिटर हमने लिखा था उसके अंदर भी ये फॉर्मेटिंग आ गया जो हमने वहां पे फॉर्मेटिंग किया था। हमने जो कंटेंट्स में जो फॉर्मेटिंग किया था वो भी आप देख सकते हैं। जब आप दूसरे प्रकार के स्लाइड लेआउट को सिलेक्ट करेंगे तो वो सारे फॉर्मेटिंग आप देख सकते हैं जो आपने वहां पे अप्लाई किया था। आप जब भी स्लाइड को इंसर्ट करेंगे तो सारे इसी फॉर्मेट में आएंगे। तो इस प्रकार से आप मास्टर स्लाइड का उपयोग कर सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कलर एंड ग्रे स्केल ऑप्शन का उपयोग क्यों करते हैं?
कलर और ग्रे स्केल ऑप्शन की मदद से आप अपने स्लाइड के बाहर के एरिया को कलर अथवा उसे ब्लैक एंड व्हाइट में कर सकते हैं। आइए अब वीडियो की मदद से सीखते हैं कि कलर और ग्रे स्केल ऑप्शन का उपयोग कैसे करते हैं। आइए वीडियो की मदद से ग्रे स्केल के बारे में सीखते हैं कि ग्रे स्केल से क्या होता है। व्यू मेन्यू पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद कलर ग्रे स्केल पे को सेलेक्ट करें। यहाँ पे देख सकते हैं तीन ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे होंगे, कलर, ग्रे स्केल, ब्लैक एंड व्हाइट। किसी भी एक इमेज को आप सेलेक्ट कर लें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। हमने इस इमेज को सेलेक्ट किया जो पहले से हमने ड्रॉ किया हुआ था। अभी आप देख सकते हैं ये कलर में है। जब आप कलर ग्रे स्केल पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो जो इसका कलर है वो यहाँ से हट जाएगा। अभी एक ग्रे कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर इसको आप ब्लैक एंड व्हाइट में करना चाहते हैं, फिर से आप इसे व्यू मेन्यू पे क्लिक करें, अपने पॉइंटर को व्यू मेन्यू पे लेके जाएं, वहां पे क्लिक करें, कलर एंड ग्रे स्केल ऑप्शन को सेलेक्ट करें और लास्ट में ब्लैक एंड व्हाइट पे क्लिक कर दें। जैसे आप ब्लैक एंड व्हाइट पे क्लिक करेंगे जो आपकी इमेज, ये जो भी आपने ड्रॉइंग बनाया है वो ब्लैक एंड व्हाइट में हो जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। अगर से आप फिर से कलर में लाना चाहते हैं तो व्यू मेन्यू पे क्लिक करें, कलर एंड ग्रे स्केल ऑप्शन को सिलेक्ट करें। यहाँ पे पहला ऑप्शन कलर का है, उसे सिलेक्ट कर लें। जैसे आप कलर को सिलेक्ट करेंगे ये इमेज आपके पहले जैसे आ जाएगा, उसमें कलर भर के आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप कलर एंड ग्रे स्केल की मदद से आप अपने इमेज को या ऑब्जेक्ट को कलर, ब्लैक एंड व्हाइट या ग्रे कलर में कर सकते हैं। अब आप कमेंट्स के बारे में जानेंगे। कमेंट के द्वारा आप अपने स्लाइड के बारे में कुछ कमेंट्स दे सकते हैं और आप व्यू ऑप्शंस के कमेंट्स ऑप्शन की मदद से आप उसे हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कमेंट्स विकल्प का उपयोग कैसे करते हैं। आइए वीडियो की मदद से कमेंट ऑप्शन का उपयोग करना सीखें। जैसे कि आप जानते हैं कमेंट की मदद से आप किसी भी पिक्चर या स्लाइड पे कमेंट डाल सकते हैं, उसके बारे में कुछ नोट्स लिख सकते हैं। कमेंट्स इंसर्ट करने के लिए, लगाने के लिए आपको सबसे पहले इंसर्ट मेन्यू पे जाना है। वहां पे क्लिक करेंगे एक बॉक्स आ जाएगा और आपको कमेंट ऑप्शन का सेलेक्ट करना है। कमेंट ऑप्शन को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो इस तरीके का बॉक्स आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसके अंदर आप कुछ भी कमेंट्स या किसी इमेज या जो आपने ड्रॉइंग बनाया है उसके बारे में कोई भी नोट्स यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, हम एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे इम्प्रेस क्लास 5 लिखा। जो स्लाइड है वो स्लाइड नंबर हम यहाँ पे टाइप करेंगे। अगर आप चाहें तो कोई इम्पोर्टेंट नोट्स या कमेंट्स डाल सकते हैं जो आपको फ्यूचर में याद रहे कि ये किस टॉपिक पे आपने इमेज को बनाया है, फ्यूचर में याद रखने के लिए आप वहां पे कुछ भी कमेंट्स डाल सकते हैं जिसे आपको याद रहे। बार क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आपको एक छोटा सा बॉक्स दिखाई देगा। जब आप उस बॉक्स पे क्लिक करेंगे जो भी आपने टाइप किया है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। तो आप अपने जरूरत के अनुसार कितने भी कमेंट्स को आप इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप इस कमेंट को आप हाइड करना चाहते हैं तो आप व्यू मेन्यू का उपयोग करेंगे। व्यू मेन्यू पे क्लिक करेंगे और कमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही कमेंट को सिलेक्ट करेंगे जो आपने कमेंट्स को इंसर्ट किया था वो हाइड हो जाएगा। फिर से अगर शो कराना है कमेंट्स को तो फिर से आप व्यू मेन्यू पे क्लिक करेंगे और कमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे कमेंट पे, जो आपने कमेंट लिखा था वो फिर से शो करेगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। और फिर वहां पे क्लिक करेंगे तो आपने जो भी टाइप किया है वो उसके अंदर दिखाई देगा। आप कमेंट बॉक्स के ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करके जो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, डिलीट कमेंट, डिलीट और कमेंट्स या डिलीट कमेंट्स बाय कंप्यूटर शिक्षा, आप यहां से डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कमेंट का उपयोग कर सकते हैं। क्या आप सभी को याद है कि नेविगेटर से क्या होता है और इसका उपयोग क्यों करते हैं? नेविगेटर विकल्प से आप अपने इम्प्रेस की फाइल की स्लाइड पर बनाए हुए ऑब्जेक्ट्स, ड्राइंग
टेबल इत्यादि के बारे में जान सकते हैं। स्लाइड पर क्या क्या इंसर्ट है, इसके द्वारा आप एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पर डायरेक्टली जा सकते हैं। इसके लिए आप सभी शॉर्टकट कमांड का भी उपयोग कर सकते हैं, जो कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 होता है। आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं नेविगेटर विकल्प का उपयोग कैसे करते हैं। आइए वीडियो की मदद से नेविगेटर का उपयोग करना सीखते हैं। नेविगेटर की मदद से आप स्लाइड को मूव कर सकते हैं, एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पे जा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले व्यू मेन्यू पे क्लिक करें, उसके बाद नेविगेटर ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। जैसे नेविगेटर ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे आपने जितने स्लाइड को इंसर्ट किया है आपको उतने स्लाइड आपको यहाँ पे बॉक्स के अंदर दिखाई देंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड का ऑप्शन दिया हुआ है, इससे आप अपने स्लाइड को मूव कर सकते हैं, एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पे जा सकते हैं। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, हम प्रीवियस स्लाइड पे क्लिक करें तो स्लाइड मूव होते जा रहे हैं। हमने फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक किया तो हमने पहले स्लाइड पे हम आ गए, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। हमने नेक्स्ट स्लाइड पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं स्लाइड मूव हो रहा है। जैसे जैसे नेक्स्ट स्लाइड पे क्लिक कर रहे हैं तो नेक्स्ट स्लाइड आते जा रहे हैं, और लास्ट स्लाइड पे क्लिक किया जो सबसे लास्ट स्लाइड है तो हम उस लास्ट स्लाइड पे आ गए। नेविगेटर की मदद से आप एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पे जा सकते हैं, और आप ये भी जान सकते हैं कि किस स्लाइड में आपने क्या इंसर्ट किया है, कितने इमेजेस हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और फिर जाके ऑल ऑप्शन ऑल सेव पे क्लिक करेंगे। जब आप ऑल सेव पे क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखाएगा कि किस स्लाइड पे कितने सेव्स ड्रॉ हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। अभी हम 9 स्लाइड पे हैं, अभी हमने स्लाइड 1 पे क्लिक किया तो यहाँ पे 2 सेव्स दिखाई दे रहे हैं, स्लाइड 2 पे 1 सेव है, स्लाइड 3 पे 1 सेव है। जिस स्लाइड पे हमने जितने सेव को इंसर्ट किया है वो आपको ये बताएगा कि आपने कितने सेव को इंसर्ट किया है, कितने इमेज को इंसर्ट किया है, वे चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं स्लाइड नंबर 7 पे 1 सेव। अगर इसे लिस्ट के तरह देखना है तो आप वापस पे क्लिक करें तो यहाँ तक लिस्ट बना हुआ आ जाएगा, देख सकते हैं स्लाइड नंबर 1, 2, 3, 4 जितने स्लाइड आपने इंसर्ट किया है वो स्लाइड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। अगर डायरेक्टली आप किसी एक स्लाइड को ओपन करना चाहते हैं तो आप उसे डबल क्लिक करके उसे आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप नेविगेटर की मदद से एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पे मूव कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। अब आप जूम के बारे में सीखेंगे। इसके द्वारा आप अपने स्लाइड के लेआउट साइज को बदल सकते हैं और कम कर सकते हैं। इसके अंदर अलग अलग प्रकार के ऑप्शंस होते हैं जिनके द्वारा आप अपने स्लाइड के लेआउट को वेरिएबल, ऑप्टिमल, फिट एंड विड्थ इत्यादि तरीके से इन लेआउट्स में या इन साइज में रख सकते हैं। आइए अब वीडियो को देखकर इन विकल्पों का उपयोग करना सीखते हैं। आइए वीडियो की मदद से जूम ऑप्शन का उपयोग करना सीखें। जैसे कि आप जानते हैं जूम की मदद से आप पेज के साइज को कम अथवा ज्यादा कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले व्यू मेन्यू पे क्लिक करें, फिर अपने पॉइंटर को जूम ऑप्शन पे लेके आए। जैसे जूम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस जूम फैक्टर दिया हुआ है, ऑप्टिमल, फिट विड्थ एंड हाइट। फिट विड्थ हमने ऑप्टिमल पहले वाले ऑप्शन को हमने सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं जो स्टैंडर्ड जो पहले से डिफॉल्ट 127% सेलेक्ट है जो जूम का परसेंटेज है, तो इस तरीके से जूम हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें हाइट ज्यादा है और विड्थ थोड़ी सी कम है। फिर से व्यू मेन्यू पे क्लिक करें, जूम ऑप्शन को सिलेक्ट करें, अगला ऑप्शन फिट विड्थ एंड हाइट का है उसको सिलेक्ट कर लें, फिर ओके पे क्लिक कर दें तो आप देख सकते हैं ये दोनों साइड से इक्वल हो चुका है। इसकी विड्थ भी सेम है और इसकी हाइट भी सेम है दोनों साइड से। पेज आप देख सकते हैं पेज का जो हाइट और विड्थ है सेम है।
फिर से व्यू मेन्यू पे क्लिक करें, जूम ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें और फिट विड्थ पे क्लिक कर दें। फिर ओके पे क्लिक कर दें। तो ये इस तरीके से आ जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। व्यू मेन्यू पे क्लिक करें, फिर से जूम ऑप्शन को सेलेक्ट करें। अगर आप अपने पेज को 100% करना चाहते हैं तो 100% ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें, फिर ओके पे क्लिक कर दें। जो आपके स्लाइड का साइज है, जो पेज का साइज है, वो 100% हो जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर से अपने पॉइंटर को व्यू मेन्यू पे लेके आए, जूम विकल्प को सिलेक्ट कर लें, वेरिएबल पे क्लिक करेंगे तो यहां से आप अपने अकॉर्डिंग पेज की साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे दो बटन देख सकते हैं आप, ऊपर वाले बटन से आप जो नंबर की साइज उसे बढ़ा सकते हैं और नीचे वाला बटन से आप उसे कम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पेज की साइज 145% कर दिया है। जब ओके पे क्लिक करेंगे जो आपके पेज की साइज है वो 145% हो जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर से व्यू मेन्यू पे क्लिक करें, यहाँ पे वेरिएबल में देख सकते हैं आप ड्रॉप डाउन वाला बटन, इस वाले बटन से आप नंबर के साइज को कम कर सकते हैं। जितना आपको कम करना है वो आप यहाँ से कम कर सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। हमने इसे 63% पे क्लिक किया और फिर ओके पे क्लिक कर दिया। तो आप देख सकते हैं जो पेज का साइज है वो 63% हो गया है। इस प्रकार से आप जूम विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, आप सभी अपने इम्प्रेस की फाइल को क्लोज करें और अपने कंप्यूटर को प्रॉपरली शट डाउन करें। आज की क्लास में आपने एडिट और व्यू मेन्यू के बचे हुए ऑप्शंस के बारे में सीखा, जैसे कि पॉइंट्स, ग्लू पॉइंट्स, फील्ड, ये सभी एडिट के ऑप्शंस हैं। व्यू के बचे हुए ऑप्शंस जैसे कि कमेंट्स, नेविगेटर और जूम के बारे में सीखा।